हेलो दोस्तों, सीताराम ने राम राम दायरा ने एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी चैनल देसी चोकरों पे। तो आज हम जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध तरणेतर का मेले में। तरणेतर का मेला जो है वो लगता है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है तरणेतर। तो दोस्तों, तरणेतर का मेला क्यों देशों विदेशों में इतना फेमस है? क्योंकि द्रौपदी का स्वयंवर जो हुआ था वो यही हुआ था जो अर्जुन ने पानी में देखकर मत्स्यवेद किया था। वो जगह, वो मंदिर पूरा दिखाऊंगा वीडियो में, एंड तक बने रहिए। और आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल बटन भी दबा देना, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थानगढ़। ये थानगढ़ का गेट है वेलकम का, और थानगढ़ से तरणेतर कुछ होता है 9 किलोमीटर जितना। हेलो मानव यू तरणेतर ना मेड़े, वाह, ये बैनर लगा है इधर, और इधर गेट भी लगे हुए हैं। बस अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने ही वाले हैं मेले में। ये है मेले की भीड़ और हम पहुंच चुके हैं। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे त्रिनेत्रेश्वर महादेव के दर्शन करने। ये रास्ता सीधा वहीं जाता है। यह है त्रिनेत्रेश्वर महादेव का मंदिर, और यही हुआ था द्रौपदी जी का स्वयंवर। ये जो कुंड दिख रहा है इसी में देखकर अर्जुन ने मत्स्यवेद किया था। और ये जो पानी है कुंड में वो गंगा जल के समान माना जाता है, क्योंकि यहाँ 5 ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया था। अभी ये मंदिर का नाम त्रिनेत्रेश्वर क्यों है? क्योंकि भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 1008 कमल के फूल चढ़ा के पूजा करूँगा और बाद में खाऊँगा। एक दिन 1008 कमल के फूल गिन के लाए और पूजा में बैठ गए, तो शिव जी ने परीक्षा के लिए एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया। विष्णु भगवान दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करूं। तो उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया और बोला कि मेरी पूजा खंडित हो रही है फूल के लिए, तो इसका उपाय बताओ। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि अपनी दाई आँख है वो कमल के समान गिनी जाती है, तो वो अगर निकाल के रख दो तो आपकी पूजा पूर्ण हो सकती है। तो भगवान विष्णु ने शिव जी का त्रिशूल लेके अपनी आँख निकाल के शिवलिंग पर रख दी और अपनी पूजा पूर्ण की। तो इसी प्रकार ये मंदिर त्रिनेत्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।
Thank you.